ओ हाय डूड। अरे थोड़ा मुंह तो ऊपर उठाओ, हाय तो बोल दो। वाह जी वाह। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो गाइस जैसे कि आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही होंगे मैं कहाँ जाने वाला हूँ। आज जाने वाला नहीं हूँ, आ चुका हूँ। पीछे आप देख सकते हैं पटना का जू जू पार्क बहुत ही मस्त है। मतलब मैं गया कभी नहीं हूँ, पहली बार आ रहा हूँ और आप लोग को साथ लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो में आप लोग को देखने मिलेगा। पटना जू आने के लिए आप, मैं तो गांधी मैदान से ऑटो करके यहाँ पर आया हूँ। 20 रुपये लगा है ई रिक्शा का। आप भी अगर आना चाहें तो पटना गांधी मैदान से ऑटो कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम देखेंगे पटना जू जू के अंदर जाते हैं, देखते हैं पहले टिकट कितना का है। टिकट लेने के बाद से फिर अंदर जाएंगे। ठीक है गाइस, तो गाइस वीडियो का स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। हमने जू के अंदर एंट्री कर चुके हैं। फिलहाल हम लोग टिकट यहाँ से लेंगे, यहाँ पे काउंटर है और आप इधर साइड में आगे देख सकते हैं पटना जू लिखा हुआ है। बहुत ही हेवी और मस्त लग रहा है। ठीक है, आएगा डिज़ाइन मतलब अंदर स्टार्टिंग का तो बहुत हेवी लग रहा है। अब देखते हैं अंदर कैसा है, मतलब छू के अंदर। अब लोगों जो देखने आए हैं, जो पंछी या फिर एनिमल्स वगैरह जो भी बर्ड्स वगैरह देखने आए हैं, वो दिखते हैं कि नहीं। ठीक है, तो चलते हैं। टिकट कितने का है? तो फाइनली मुझे टिकट मिल चुका है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे एक भी चार्ज देना नहीं पड़ा। 50 रुपये है एंट्री फीस, लेकिन मुझे देना नहीं पड़ा क्योंकि मेरे हाथ की वजह से देख सकते हैं हैंडीकैप पर्सन का छूट है, तो मुझे 1 भी रुपये नहीं लगा। दरवाज़ा खुल रहा है, हम लोग एंट्री करेंगे अभी। तो फाइनली मैं एंट्री कर चुका अंदर। अभी ना क्या करना है ना, आप लोगों को घूमने का है। घूमने का ऐसा है बहुत बड़ा है, अभी मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कैसे घूमने, कहाँ कहाँ जाने का है। चल रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे स्टेट रोड है, चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कोई एनिमल्स, कोई जानवर, कोई प्राणी मिल जाए तो देखेंगे, शूट करेंगे। फिलहाल बहुत बड़ा है क्योंकि मैंने दूसरा वीडियो देखा था ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं चाट वगैरह लगा हुआ है कि कहाँ कहाँ कौन से मिलेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। उसका टाइमिंग तो बता दूँ मैं आप लोग को, सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है इसका टाइमिंग पार्क खुलने का। फिलहाल पार्क में देखते हैं, यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी चीज़ें बनाई गई है। मैं आप लोगों को बैक कैमरा से सारी की चीज़ें दिखाता हूँ। तो इधर साइड आप देख सकते हैं गुफा जैसा बना हुआ है, शायद शेर वगैरह का कुछ ऐसा, इतना पता नहीं है, लेकिन इसके अंदर कुछ है नहीं, कुछ भी जानवर नहीं है। ठीक है, इधर साइड में देखते हैं, यहाँ पर भी खाली, यहाँ पर भी कुछ नहीं है क्या भाई? हाँ वहाँ पे है तेंदुआ, देख सकते हैं आप यहाँ पे सामने, यहाँ पे तेंदुआ दिख रहा है। ठीक है, एक ही है बस, बड़ा सा पिंजरे में बस एक ही है। हाँ सामने देख सकते हैं ये मंकीज। ठीक है, 2 मंकीज है, इससे पहले भी मैंने देखा था किसी और के ब्लॉग में 2 ही मंकीज थे और अभी भी 2 ही मंकीज हैं। जोड़ी को बैठा दिया गया है ह्यूमन एवोल्यूशन। ठीक है, जो मंकी से चेंज हुए, कन्वर्ट हुए धीरे 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 करके इंसान बने, तो वही यहाँ पे बताया गया है, फोटोज़ बड़ा सब दिखाया गया है। तो चलते हैं, ये सारा नेचर आप देख सकते हैं इसके अंदर का, जू के अंदर का। ये रोडें जो हैं जा रही है स्ट्रेट, पता नहीं कहाँ जा रही है, हम तो चलते जा रहे हैं। यहाँ पर जो आप सामने देख रहे हैं ये है वाइट टाइगर, जो बहुत ही टेंशन से चल रहा है, मतलब जो सामने आया है ना तो फाड़ के रख देगा। काफ़ी हार्ड लग रहा है देखने। आप सामने देख सकते हैं एक बाघ अपना टहल रहा है, खाना पचा रहा है तो वैसी देख सकते हैं। ओ हाय डूड। अरे थोड़ा मुंह तो ऊपर उठाओ, हाय तो बोल दो। वाह जी वाह वाह। इधर भी 2 हैं देख सकते हैं आप। आप सलूट बियर मतलब हालो, सामने आपको देखने मिल रहा होगा, ये देख सकते हैं। वाह जी कहाँ जा रहे हो? तो यहाँ पे उसके बारे में सारा कुछ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं आप। और सामने ये भालो, अब दूसरे जगह चलते हैं उसके बगल में। बगल में आप लोगों को देखने मिल रहा होगा उधर साइड में, ये हिमालयन काला भालू है, हिमालयन काला भालू
जो आप लोग को देखने में हाँ आ रहा होगा, साफ तो आ ही रहा है। यहाँ पे कुछ उसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया है। इधर आप देख सकते हैं एक इमू जानवर है, जैसे कि आप लोग को यहाँ पे देखने मिल रहा होगा। हाय डूड, ओ हाय, देख सकते हैं यहाँ पे। ओ ठीक है, चले मैं ये सोच रहा हूँ ना, इन लोग को देख कर कि इनके जगह पे इंसान को कैद होना चाहिए, इनको नहीं, क्योंकि आजकल नुकसान जानवर नहीं इंसान ही दे रहे हैं एक दूसरे का, एक दूसरे को। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ साइड में बहुत ही अच्छी, मतलब यहाँ पे जगह जगह पे कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है, ऐसा नहीं है खाली है। चलते जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ मिलते जा रहा है। अब और आगे चलते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं चिड़िया मिली हम लोग को, देख सकते हैं लेडी स्पॉट फेजेट करके कुछ है। ठीक है, तो आप लोग को इधर साइड में देखने मिल रहा होगा आगे ऐसा चिड़िया, दिख नहीं रहा है, जाली इतना पतली पतली बनाई गई है ना चिड़ियों को ना उड़े, लेकिन एक चिड़िया है ना उस साइड बहुत हैवी लग रहा है, लग रही है वो, बस दिख जाए। हाय डूड, ये देखो, हाय तो बोलो, हमारी यूट्यूबर देख रहे हैं आप लोग को, मतलब हमारे सब्सक्राइबर जो हैं, हमारी फैमिली आपको देख रही है, कहाँ भाग रहे हैं आप? अरे अरे जी, ज़रा सुनिए तो सही। तो ऐसा है, हम लोग को बर्ड देखने मिल गए, केसवरी, केसवरी ये कौन सा है, केसवरी केसवरी तो है ही नहीं इसके अंदर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे गोल्डन फिजेट, और यहाँ पे गोल्डन फिजेट, सिल्वर फिजेट, सिल्वर फिजेट में, यहाँ पे गोल्डन फिजेट में देख सकते हैं आप, एक है यहाँ पे, आप देख सकते हैं हल्का से दिख रहा है। यहाँ पे सिल्वर फिजेट में आप देख सकते हैं चिड़िया है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मोर, ठीक है, काफ़ी हेवी लग रहे यार देखने में। एक बार मैं जो अजमेर जा रहा था ना, उसके रास्ते में देखा था मैंने मोर को, लेकिन रियल में कभी इधर गांव साइड में देखा नहीं हूँ, काफ़ी हैवी लग रहा है ये वाला। ठीक है, और ये देखो गोल्डन कलर का, कितनी पतली पतली जालियाँ हैं ना इसमें, सारी चिड़िया हैं इसके अंदर, ताकि चिड़िया उड़े नहीं। तो देख सकते हो आप, कृपया शांति बनाए रखें, क्योंकि चिड़िया हल्ला कर रही है, तो उनका उनकी आवाज़ को सुनने के लिए शांति बनाए रखें, क्योंकि चिड़ियों की जो आवाज़ होती है ना बहुत मस्त होती है। तो आप सामने देख सकते हो कोकाटिल करके चिड़िया का, वाह जी वाह, क्या आवाज़ है भाई, और बोलो तो सही, तो बोलो हेलो। ओ यहाँ पे देख सकते, ओ पूरे मेहनत करी भाई निकलने के लिए बाहर, वो खोली डालेगी कभी ना कभी। हाँ, फिश जेबरा, फिश जेबरा चिड़िया हैं, छोटे छोटे देख रहे होंगे आप। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, बजरी घर करके हैं, यहाँ पे भी चिड़िया छोटे छोटे हैं, दिख नहीं रहे हैं यहाँ पे, बजरी घर देख सकते हैं आप। ओ जी, ये लाइन में जो बैठे हैं ना, एक कलर कलर जो है ना, काफ़ी हेवी लग रहे हैं। ठीक है, तब चिड़ियों से बाहर निकलते हैं, ये देख सकते हो आप, योच हाय डूड, ए कैसे हो, ओ भाई जी कैसे हो, हाय तो बोलो, हाय बोलो, हाय हाय हाय, अरे नहीं बोलने का, हाँ गुस्सा हो गए हो क्या? हाँ, तो आप लोग, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ सफ़ेद मोर, जैसे कि देख सकते हैं, आपको बाय डाटा पढ़ सकते हैं जो भी है इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पे सफ़ेद मोर को ये क्या है, वाइट लग क्यों रखा गया, वाइट क्यों डाला है, चूना मोर है क्या? हाँ ये तो मोर जैसा दिख ही नहीं रहा, लेकिन ये ऊपर वाले से वो देख सकते मोर। काफ़ी हैवी लग रहा है, लेकिन जो कलर्स वाले होते हैं ना, उसके जैसा कोई मोर नहीं यार, मेरे को तो ये मोर समझ में नहीं आ रहा कि मोर है, मेरे को लगा मुर्गी है। तो ऐसा लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नील गाय, जो आप लोग गांव में देखते हैं को मिलता होगा खेतों में अक्सर, ये अनाजे जो है ना बर्बाद कर देती हैं इनके वजह से। देख सकते हैं आप, देख सकते हैं सामने ये है नील गाय। ठीक है, ओ भाई बहुत सारे हैं, ये शायद खेतों में से ही पकड़ के डाला गया इसके अंदर। ठीक है, निकलते हैं बाहर और देखते हैं और कुछ, वैसे काफ़ी हैवी तो लग रहा है यार। ठीक है, इधर भी एक ग्राउंड जैसा यहाँ पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे बारह सिंगा हैं, उनके बारे में लिखा गया है, देख सकते हैं। बारह सिंगा मैं आप लोगों को दिखाता हूँ,
वाह जी, काफ़ी मस्त लग रहा है यार बारह सिंगा। और बारह सिंगा बहुत सारे हैं, मैं आप लोग उधर भी दिखाया था बारह सिंगा सेट, उस सेट देख सकते हैं, बहुत सारे हैं ठीक है। देखने मिलेगा जेब्रा, जेब्रा देख सकते हैं, उसके बारे में लिखा गया है, सारे इन्फॉर्मेशन दिया गया है जेब्रा कैसा है क्या क्या उसके बारे में ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी इसके बारे में डिटेल्स वाला लिखा गया है। सामने जेब्रा आप लोगों को दिख रहा होगा। ओ भाया, ओ सुनो तो सही, हेलो, वो अपना खाना खा रहे हैं भाई। तो मैं आधे घंटे के अंदर काफ़ी जगह घूम चुका हूँ, काफ़ी लंबा आ चुका हूँ ठीक है, और जगह जगह आप लोगों को दिखाते जा रहा हूँ, कुछ ना कुछ जो मिल रहा है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। और इधर साइड कुछ है, मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, कुछ है शायद आगे साइड से चलते हैं। वैसे बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है जू जो है, इसके बारे में हम अगर अच्छे से घूमेंगे ना तो दो से ढाई घंटा पकड़ लेगा, तो अच्छे से घूमिएगा तो पूरा अच्छे से ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे कुछ सीढ़ी जैसा बनाया है, पता नहीं क्या है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हिप्पोपोटामस, वाह जी वाह, निकल जा डूड। हाँ अभी दरियाई घोड़ा, दरियाई घोड़ा, लेकिन दरियाई घोड़ा तो कहीं दिख नहीं रहा है यार, दरिया के अंदर चला गया क्या अभी। और निकल जा भाई, नहीं निकला। हाँ यहाँ पे है दरियाई घोड़ा, यही है क्या, क्या अलग है, नहीं यही है, इसके बारे में तो कुछ दिया नहीं गया, पढ़ लिख कर गधे बन गए ना इसलिए समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आएगा कैसे, फोटो में कुछ अलग दिखता है, यहाँ पे कुछ अलग, ये पानी के अंदर डुबकी मार रहा है, हाँ तो समझ में आएगा ये सांस कैसे ले रहा है यार, सांस ऊपर मुंह रखा है तो हल्का हल्का सांस ले रहा है ठीक है, आँखें खोल कर रखा पूरा अंदर पानी के अंदर नहीं है, सांस लेने के लिए शायद बाहर आता होगा और सांस लेकर फिर अंदर चला जाता होगा ठीक है। बोला था कि कोल्ड ड्रिंक लेंगे, कुछ खाएंगे यार, भूख बहुत कस के लगी है क्योंकि सुबह में आया था तो कुछ खाया नहीं था। देखते हैं यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक मिलती है कि नहीं। ओ भाई कोल्ड ड्रिंक मिल जाएगा, कोल्ड बंद है यहाँ पे, और जगह नहीं मिलेगा, खाने वाने कुछ भी नहीं मिलेगा। तो ऐसा है कि एक ही एक रेस्टोरेंट है वो भी बंद है, और खाने के लिए बाहर मिलेगा। कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, अब क्या क्या हो रहा है यार, जिराफ तो देखा ही नहीं यार मैं तो। गाइस इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, आप भी बोर हो जाओगे और काफ़ी लंबी वीडियो रहेगी ना तो देख नहीं पाओगे। तो आपको सेकंड पार्ट में यहाँ का सेकंड कंटिन्यू जो मैं करूँगा, यहाँ का जू का, पटना जू का सेकंड पार्ट में आपको देखने मिलेगा। सो वीडियो करते हैं यहीं पे ख़त्म, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और क्योंकि अगर आप कभी जाएं पटना जू में तो आप इस वीडियो के थ्रू जाएं, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं भी परेशानी नहीं होगी, रेट वगैरह सारा कुछ मैं आपको बता चुका हूँ। फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय।